नमस्कार दोस्तों, आज के इस खूबसूरत दिन में मैं आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये एक फॉलोअप एनालिसिस है मेरे अर्ली मॉर्निंग एनालिसिस का, जिसके अंदर मैंने आप लोगों को ये समझाया था कि मार्केट के अंदर 17,650 के ऊपर मार्केट में एक कॉल राइटर्स बैठे हुए हैं, और मतलब कॉल एक अच्छे लेवल्स पर उन्होंने कॉल को राइट कर रखा है, मतलब सस्ते पर भी कॉल को बेच कर गए यार। मार्केट के अंदर 17,650 के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करता है तो क्या पॉसिबिलिटीज है शॉर्ट्स के कवर होने की। तो देखो, आज हम ना थोड़े से डेटा को समझ के चलते हैं। इस समय मार्केट 17,700 पर अगर आप देखेंगे तो यार 2 करोड़ 2 लाख, और आज मंडे का दिन है, तो 2 करोड़ 2 लाख कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं, जिसमें 40 लाख कॉन्ट्रैक्ट आज की डेट में ऐड होते हैं। ठीक है, अब यार ये चीज अगर आप देखोगे 17,700 की पुट पर, तो यहाँ पर 1 करोड़ कॉन्ट्रैक्ट जिसमें से 21 लाख आज ऐड होते हैं, 17,600 की पुट पर 1 करोड़ 7 लाख कॉन्ट्रैक्ट, और ये तकरीबन आपके पास में 27 लाख कॉन्ट्रैक्ट आज की डेट में ही ऐड होते हैं। तो यार कहीं ना कहीं मार्केट के अंदर मार्केट पार्टिसिपेंट किसी एक इवेंट के ट्रिगर होने का वेट कर रहे होंगे। निफ्टी बैंक को अगर आप देखकर चलते हो 230 अंक ऊपर, निफ्टी आईटी 38 अंक ऊपर है, निफ्टी नेक्स्ट 50 भी पॉजिटिव है, निफ्टी 50 भी पॉजिटिव है। मार्केट के इतने बुलिश होने के बाद, जब मार्केट के अंदर सारी चीजें पॉजिटिव है और कहीं कोई लाली का निशान नहीं है, उसके बाद भी यार इतने कॉन्ट्रैक्ट के उर्रा का रिटर्न होना, मतलब कॉल राइटर्स का इतना एग्रेसिव कॉल को राइट करना उनके किस कॉन्फिडेंस को दर्शाता है, ये मैं आपसे जानना चाहता हूँ। आप मुझे इसके अंदर ये भी बता के चलोगे कि यार मार्केट ने इस डेटा के अकॉर्डिंग मार्केट क्या 17,700 की कॉल के अंदर एक शॉर्ट कवरिंग आ सकती है, और अगर वो आएगी तो कब आएगी। हम मैं इस समय पर देख पा रहा हूँ कि यार ये जो 48 रुपये का भाव चल रहा है, और इस 48 रुपये के भाव के आने के बाद भी जबकि मार्केट में कॉल का जो रेट है 5 रुपये 80 पैसे छूटा है, इसका मतलब कि कॉल राइटर्स ने कॉल को और ज़्यादा सस्ते में भी बेचा है और अभी तक उन्होंने प्रॉफिट को बुक नहीं करा है। तो यार अगर इसमें आपको लगता है कि शॉर्ट कवरिंग आएगी, तो यार वो शॉर्ट कवरिंग किस लेवल पर आ सकती है और वो कब आएगी, क्योंकि तो ये एक एजुकेशनल लेक्चर है, ये एक एजुकेशनल वीडियो बनाया गया है, तो इसके अंदर आप लोगों का पार्टिसिपेशन बहुत ज्यादा जरूरी है कि इसमें आप क्या सोचते हो, ये आप हमेशा बता के चलो। अगर आप इसी तरीके के और लेक्चर देखना चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अपना जो भी सजेशन है जरूर देकर चलिएगा। मेरी आपको किसी भी तरीके की कोई बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है, और ये मैं एक एजुकेशनल लेक्चर्स बनाकर चल रहा हूँ मेरे उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने या तो मेरी किसी बुक को रीड किया है, या मेरे कोर्स को ज्वाइन किया है, या फिर आप लोग मेरी रिसर्च रिकमेंडेशन को फॉलो कर कर चलते हो। मैंने इस एनालिसिस के ब्यापार पर अपने क्लाइंट्स को कुछ पोजिशनल स्ट्रेटजीज के अंदर कुछ रिकमेंडेशन दी हुई होंगी, और ऑब्वियस बात है कि उनके क्लोज हो जाने के बाद में, मतलब पूरा क्लोज हो जाने के बाद में, वो जो ये पर अप्रैल की शीट होगी वो भी हम आपके साथ में शेयर करके चलेंगे। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।